नमस्कार, मैं सीनियर क्वालिटी इंजीनियर हरिओम सिंह। मैं आपको फ्लैगिनेस इंडेक्स टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने फॉर्मेट ओपन है, इसमें दिया फ्लैगिनेस एंड एलोगेनेस इंडेक्स टेस्ट, जो कि एच पर IS 2386 पार्ट 1 से किया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें रहती, सोर्स ऑफ एग्रीगेट का कौन सा सोर्स है आपका, एग्रीगेट साइज ऑफ एग्रीगेट, कलेक्ट फ्रॉम कहाँ से कलेक्ट किया आपने, सैम्पलिंग डेट, टेस्टिंग डेट और इसकी ISC। इसमें ISC 63 से 50, 50 से 40, 40 से 31.5, 31.5 से 25, 25 से 20, 20 से 16, 16 से 12.5, 12.5 से 10, 10 से 6.3। ये सारी सीव यूज होती हैं ग्रेडिंग के लिए। जब हमारा सैंपल तैयार होता है उसके बाद हम उसका वेट करते हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है टोटल वेट ऑफ एग। इसके बाद जो वेट होती है वो पासिंग साइज लिखते हैं। ये तो सब आपको पता ही होगा। कैलकुलेशन के बारे में, इसका वेट हमने लिख लिया कि 20 से हमारा 16 में कितना वेट आया, 16 से 12.5 में कितना वेट आया, 12.5 से 10 में कितना वेट आया, ये सारे वेट हमने लिख लिए और पासिंग वेट लिख लिए। अब करना क्या है कि जो हमारा पासिंग वेट है उसको हमें कर दिया है डिवाइड इनटू 100, तो हमारा ये फ्लैगिनेस इंडेक्स परसेंट में आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और फ्लैगिनेस इंडेक्स टेस्ट कंक्रीट के लिए करते हैं, एलोगेशन टेस्ट भी करते हैं, तो वो कंक्रीट में नहीं करते एलोगेशन, सिर्फ फ्लैगिनेस ही टेस्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि क्वालिटी से रिलेटेड जो भी आपके जो है टेस्ट हैं उसको मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको आप देख सकें। और मुझे LNT में मैं जॉब करता हूँ और मुझे 7 ईयर का एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल में। तो जो भी स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल में जाने के लिए, तो उनके लिए टेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप जो है इसको अच्छे से तैयार करिए, इसकी जो सीव वगैरह हैं उनको याद रखिए और कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं वो भी इसको समझिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।